जब मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, और मुझे कहते हुए आनंद है 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ, गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं, आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं, मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। मैं बंगाल की जनता को विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज ये वर्चुअल संवाद, जनसंवाद, बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद जो है मोदी जी की सरकार के 1 साल की समाप्ति के लिए है। मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है, और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए, और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया।